Assalamualaikum guys, welcome back with another video. आज हम आपको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जिसको वादी कश्मीर कहा जाता है और जन्नत नज़ीर कहा जाता है. This place is called heaven on earth, you know. मेरा पर्सनल ताल्लुक भी कश्मीर से ही है. बैकग्राउंड मेरा फैमिली का जो है, मेरी तो बहुत ही ख़ास इस जगह के साथ जो है ना, वो एक उनसियत है, मोहब्बत है. काफ़ी ट्रैवल किया है मैंने कश्मीर, बट व्लॉगिंग मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि इस बार क्यों ना आपको भी उन पुरकशिश जगहों पे लेके जाया जाए, उन मनाजर को दिखाया जाए जिन मनाजर को मैं अपनी मेमोरीज़ में हमेशा रखता हूँ. और इवन मैं जब दुबई गया और दुबई रहा काफ़ी अर्सा, तो मुझे ये पहाड़ जो है ना बहुत फैसिनेट किया करते थे, बहुत याद आते थे कि मैं कब पाकिस्तान वापस जाऊँ. जब भी मैं आता हूँ तो डेफिनेटली उन जगह पे विज़िट करता हूँ. जर्नी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और इस बार तो इंशाल्लाह बाइक टूर है, और आपको सारा जो है ना रास्ता भी इंशाल्लाह दिखाते जाएंगे बीच में, और मेन स्पॉट्स जितने भी हैं जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप, और उसके बाद आपको जितने भी लाइक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं कश्मीर की, वो इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे. आई विल बी हियर फॉर अ वीक और टू, सो डेफिनेटली डेली का एक व्लॉग आपको मिलेगा, और जिस जिस जगह जा रहे हैं इंशाल्लाह आपको फॉलो अप करवाएंगे साथ साथ. अभी हम पहुंचे हैं एक्सप्रेस वे पे और ग्लोरिया जींस पे बैठे हैं. ये बिल्कुल एक्सप्रेस वे की एंड पे है, और वहाँ से हम ऑनवर्ड्स जाएंगे कोहाला की तरफ, और कोहाला से फिर टूवर्ड्स मुजफ़्फ़राबाद. हमारा जो स्टे है वो मुजफ़्फ़राबाद के करीब ही है, ऑलमोस्ट लाइक 15-20 मिनट्स ऑफ अ ड्राइव अवे फ्रॉम मुजफ़्फ़राबाद. तो इंशाल्लाह विल बी मीटिंग यू देयर. इट्स फाइन, थैंक यू. अच्छा, कॉफ़ी का टेस्ट तो बहुत अच्छा है, वीडियो का बड़ा कर गया. एनीवेज, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम वीडियोस सबसे पहले मिल सका करें. सी यू इन अ वाइल गाइस. और यहाँ से मुजफ़्फ़राबाद जो है वो 70 किलोमीटर्स है, और आज़ाद कश्मीर का जो एंट्रेंस का पॉइंट है कोहाला, दैट इज़ कोहाला. वहाँ पे एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान की हदूद को कश्मीर की हदूद से. देखें जी, अभी हम रास्ते में हैं. मैंने कहा चलें आपको ज़रा थोड़ा सा बता दें. ये अभी हमने फगवाड़ी बाज़ार यहाँ है वो क्रॉस किया है. हालांकि अभी सख्त गर्मी शुरू हो गई है पिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत ही खुशगवार है. और यहाँ से कोहाला जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर्स रह गया है. कोहाला जो मैंने बताया था आपको कनेक्टिंग पॉइंट है. और ग्रीनरी देखें, यहाँ पर चीड़ के दरख्त हैं बहुत सारे, और अगर वो ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, देखें कितना खूबसूरत यहाँ पे, मतलब नेचर का जो नज़ारा है ना बहुत ही खूबसूरत, बहुत इंतहाई खूबसूरत. अच्छा, सड़कें थोड़ी सी जो है ना, रोड उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है ये वाली, लेकिन थोड़ी नैरो है, जिसकी वजह से जो है ना वो लाइक ड्राइव बड़ी केयरफुल करनी पड़ती है यहाँ पे. अच्छा, जगह जगह यहाँ पे ऊपर पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से जो चश्मे, नेचुरल स्टीम्स आती हैं, चश्मे आते हैं, बहुत ही उनका जो है ना एक पुरलुत्फ़ नज़ारा है. और पानी इंतहाई ठंडा, हमने भी एक चश्मे पर रुक के पानी पिया वहाँ से, इंतहाई ठंडा. तो ये कुदरत के जो है ना बहुत ही हसीन नज़ारे हैं जी गाइस. तो देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ अभी कोहाला ब्रिज के करीब हूँ, और ये नीचे बिल्कुल दरियाए जेहलम गुजर रहा है. इसके मनाजर मैं आपको दिखाता हूँ. इंतहाई तेज़ चलने वाला दरिया है. ये के सामने होटल है जिसमें मैं अभी जो है लंच करूँगा इंशाल्लाह, और लंच करने के बाद आपको कोहाला ब्रिज दिखाते हैं. कोहाला ब्रिज बिल्कुल वो सामने कुछ क्राउड नज़र आ रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ. यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है. आपको मेरा 2 हफ्ते का तकरीबन प्लान है, 1.5 से 2 हफ्ते का, तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह जितना कवर करके बता सका मैं ज़रूर बताऊँगा आपको. बाकी अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कश्मीर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है हमेशा, आप उससे मुझे रब्ता कर सकते हैं. चलते हैं खाना खाने के लिए,
और सामने रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में लास्ट टाइम खाया था, बड़ा अच्छा खाना था। तो खाने के बाद मिलते हैं। ये सामने है कोहाला ब्रिज, जो कनेक्टिंग पॉइंट है जिसके बारे में आपको बताया था। वी आर ऑलरेडी देयर और आपको दिखाता हूँ मैं पूरा इसका व्यू। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे है केपीके की हदूद है और जैसे लिखा हुआ वेलकम टू केपीके, और राइट साइड पे वो सामने वाली साइड पे है कश्मीर की हदूद। तो अभी हम कश्मीर की हदूद में इंटर हो रहे हैं। सामने ये दरियाए जेहलम कश्मीर से आ रहा है, जेहलम और नीलम मिक्स होके आता है यहाँ पे। तो अभी हम उस ब्रिज पे हैं, कोहाला ब्रिज। आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत एक जगह है, और मैं आपको दिखाऊं कि ये सामने नीचे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्पॉट बनाया हुआ है, टूरिस्ट स्पॉट। तो लेट अस फर्स्ट इंटर द रीजन ऑफ कश्मीर, तो मैं फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। और हम ये आज़ाद कश्मीर की हदूद में इंटर हो गए हैं, बहुत में खुदा अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से यहाँ तक पहुँच गए हम। फाइनली मैं आज़ाद कश्मीर की हदूद में इंटर हो चुका हूँ। अभी मैंने कोहाला क्रॉस किया। कोहाले की जो इंट्रेंस है वो कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं सामने। यहाँ ये सामने बिल्कुल ब्रिज है, ब्रिज से हम इंटर हुए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एंट्रेंस के साथ ही जो बोर्ड लगे हुए हैं, मैं आपको उस बारे में बता दूँगा। मुजफ़्फ़राबाद यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर है। उसके बाद राइट साइड पे जो रोड जाती है वो बाग की तरफ जाती है, और स्ट्रेट अहेड अगर हम जाएँ तो नीलम वैली की तरफ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। यहाँ से मुजफ़्फ़राबाद तकरीबन 35 किलोमीटर है। उसके बाद दो रूट्स हैं बेसिकली मुजफ़्फ़राबाद पहुँचने से पहले पहले ही। अगर हम ये इस तरफ को चले जाएँ, रावलाकोट, बाघ, दीर, और उससे आगे की तरफ हम अगर चले जाएँ तो वो फॉरवर्ड कहूटा और इन साइड पर चले आता है। अच्छा, अगर स्ट्रेट अहेड जाते हैं तो स्ट्रेट अहेड जाने से हम मुजफ़्फ़राबाद पहुँचेंगे। अब मुजफ़्फ़राबाद में आगे दो डिविजन है बेसिकली, एक है नीलम वैली वाली तरफ और एक है जेहलम वैली वाली तरफ। अगर आप नीलम वैली जाते हैं तो उसमें मुजफ़्फ़राबाद से आगे पटिक्का 52 किलोमीटर तक है। उसके बाद फिर नौशेरी डैम आता है, फिर कुंडल शाही, फिर अटमकाम। अटमकाम के बाद इस तरह केरन। केरन बहुत खूबसूरत जगह है। ये यहाँ से बिल्कुल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर सामने से नज़र आता है, और काफ़ी जगह पर इंडियन फ्लैग्स भी नज़र आते हैं। फिर आगे दवारियाँ, शारदा, केल। शारदा इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। शारदा में एक बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। अगर पॉसिबल हुआ, अगर नीलम वैली वाली तरफ मैं गया तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। देन ताओबाट इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन फ्राम दिस साइड। और अब हम बात करते हैं अगर जेहलम वैली वाली तरफ की, तो जेहलम वैली स्टार्ट होती है दो मेल दरियाओं का, दोनों दरियाओं का मेल है जहाँ पे, जहाँ नीलम और जेहलम कनेक्ट होते हैं आपस में, वहाँ से स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर बहुत सारे वहाँ पे स्पॉट्स आते हैं बेहतरीन से, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस इज गढ़ी दुपट्टा। ऑनवर्ड इसी तरह वो चनारी और चकोटी बॉर्डर तक जाता है। चकोटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो गाइज लेट्स गो एंड शो यू अराउंड। इंशाल्लाह आज का ब्लॉग तो मैं डेफिनेटली शाम पड़ गया तकरीबन पहुँचते ही, और जब मैं पहुँचूँगा तो वहाँ फिर जो है उसके बाद कल से प्रॉपरली मैं आपको स्टार्ट करूँगा। कल से ऑनवर्ड्स ईच डे मैं आपको नई डेस्टिनेशन पे लेके जाऊँगा, नई जगह पे लेके जाऊँगा जहाँ आप देख के उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कुछ ब्रेक के बाद। अभी हम पहुंच चुके हैं, इस जगह का नाम है मोड़ों वाला छतर। वो इस वजह से कहते हैं जगह को क्योंकि ऊपर बहुत सारे मोड़ थे। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये किंग अब्दुल्ला कैंपस है आज़ाद जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी का, AJK यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली सऊदी अरब के जो किंग हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने गिफ्ट की थी।
तो इस वजह से इसका नाम है किंग अब्दुल्ला कैंपस बेसिकली। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो कैंपस हैं वो यहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं, बीटी गिफ्ट है किंग अब्दुल्ला की तरफ से। और इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया गया हम फरीदाबाद के। आप देख सकते हैं कितनी वास्ट एरिया के ऊपर बनी हुई है, काफ़ी वसी है ये जगह। तो गाइस फाइनली मैं मुजफ्फराबाद पहुंच गया हूं और 4-4.5 घंटे का सफ़र था तकरीबन, के बीच में कुछ स्पॉट्स पे रुका भी हूं। तो मुजफ्फराबाद सिटी आ गए इंशाल्लाह, अभी बाकी के ब्लॉग इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी थक भी गया हूं और शाम भी पड़ गई है, तो थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इसी टाइम पे। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़। नाज़